जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या मुझे TKR 3 पे जाना चाहिए, तो कोई कहता है जायदाद के पेपर ले जाना साथ, कोई कहता है जाओगे तो गाड़ी पे तो वापस पैदल आओगे। अच्छा अच्छा, इसके पीछे मुझे रीजन बताएं, क्या रीजन है? बड़ी बात, लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इस स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में आप निकालें, 2-3 बड़े बड़े नाम है, मेरे मेन्यू को उनको कंपेयर करें ऐसे ही, और फिर आप लोग डिसाइड करें, एक बार जरूर आके ट्राई। यार इसका सॉफ्टनेस मैं फिर दिखाता हूँ, यार कितना सॉफ्ट है यार ये देखें। असल गोश्त खाने का जो तरीका है ना, वो ये कोई बंदा इन पख्तूनों से सीखे, लिटरली इन लोगों ने जो ट्रेडिशन पिंडी इस्लामाबाद में सेट किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इस दफ़ा भी आया हूँ तो सोचा था कुछ सख्त सवाल करेंगे ताहिर खान से, लेकिन वो मुझे यहाँ पर इस दफ़ा मिले नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि वो जितने सख्त सवाल है ना वो खाने से पूछे जाएँ। TKR के बारे में यार काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं, मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलते हैं, और काफ़ी अरसे से यार मुझे लोग कह रहे थे कि आपको TKR पे दोबारा विजिट करना चाहिए। चलें चलते हैं, प्राइसेस को भी रिव्यू करेंगे, दम्पोक्स को भी रिव्यू करेंगे, व्यूज़ को भी रिव्यू करेंगे, और उसके साथ में आपको दिखाऊँगा कि TKR एक साल में कितना बदल गया है। अच्छा जी, हमारा दमपुख्त हमारे पास आ चुका है, एक दफ़ा ज़रा चेक करें यार। 1 kg दमपुख्त हमने मंगवाया है, स्पेशल दस्ती का गोश्त है। आय हाय है, क्या बात है। स्पेशल ये मतलब नहीं है कि मेरे लिए स्पेशल आया, इधर आते ही है ये, ठीक है। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, और ज़रा मैं आपको इसका पहले वो सीन्स चेक कराना चाहता हूँ, अल्लाह करे मुझसे वो पॉसिबल हो जाए। ये देखें ज़रा, ये देखें क्या बात है, ये चेक करो। आय हाय हाय, क्या बात है यार, ये ज़रा गोश्त के पीसीस चेक करें, हड्डी अलग किस तरह हो रही है इसमें, ये देखें हाथों से किस तरह अलहदा हो रहा है गोश्त। आय हाय हाय, क्या बात है भाई, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। इसको स्टार्ट करते हैं, खूबसूरती एक दफ़ा सिर्फ गोश्त की देखें, इसकी झड़ी देखें ऊपर से। आय हाय हाय, क्या बात है, ये देखें दस्ती का गोश्त हमारे पास आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं और अब आपको बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। इसमें मिलता क्या क्या है आपको मैं पहले वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी प्राइस क्या है। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो याद है सब ने कहा था कि आप जो उनकी स्पेशल चीज़ है आपने वो ट्राई नहीं की, और आप वैसे ही आ गए, तो हमने अब सोचा इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दस्ती का 1 kg मीट आ गया, इसको डालते हैं अपनी प्लेट में। ये देखिए, क्या बात है जी, आए हाय हाय हाय, गर्मा गर्म चावल भी। अच्छा पुलाव की आपने एक दफ़ा इनके अफ़गानी पुलाव की एक दफ़ा क्वालिटी चेक करें, क्वांटिटी तो आपने देख ली है 1 kg में कितनी मिली है। तो जो मिक्स्ड रिव्यूज़ थे ना, हम उनके लिए आए हैं कि क्या सच में ये होता है या नहीं। हमने इनको नहीं बताया हम कौन है, स्कून से हम लोगों ने स्टार्ट की है वीडियो, और हमारे लिए ये आ चुका है। गर्मा गर्म राइस हैं, राइस के साथ हमने दम पुख्त ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये रायता आ गया, रायते के बगैर तो जी कोई फ़ायदा नहीं है। अरे क्या बात, इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमने अपनी प्लेट तो बना ली है, जितने मैंने खाने थे उतने बना लिए। कोशिश ये करते हैं कि एक एक करके आपको इसका रिव्यू देते हैं, पहले थोड़ा सा मीट के बारे में बताते हैं। ये देखें ज़रा, मसाले से भरा। आय है, क्या बात है, ये देखें रेशा रेशा किस तरह लैदा हो रहा है। अच्छा TKR जो है ना,
वो ये ट्रेंड इस्लामाबाद में लेके आया है। उसके बाद फिर काफ़ी पख्तूनों ने यहाँ पे रुख किया है रेस्टोरेंट्स बनाने का, उन्होंने सोचा है। लेकिन सबसे पहले टी के आर लेके आया यार, एक दफ़ा ये देखें, खूबसूरत तरीन है, खूबसूरत तरीन जिसको कहते हैं ना, आय हाय क्या बात है। ठीक है, मीट तो मुझे अच्छा लगा, इसको ज़रा ट्राई करते हैं टेस्ट वाइज भी अच्छा है या नहीं। बहुत ज़बरदस्त मीट, बहुत अच्छा है। इसको ज़रा राइस के साथ ट्राई करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा पहले आपको अकेले राइस दिखाना चाहता हूँ, राइस की क्वालिटी देखें। जो लोग चावलों को जानते हैं वो पहचान लेते हैं कि यार अच्छा। फिर जब आपको इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं पे मिल रही होती है ना, तो प्राइसेस में फ़र्क होता है। और वहाँ पे, यहाँ पे वही लोग आते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोले डाल रहे होते हैं ना, वो वहाँ यहाँ वैसे भी नहीं आते। मुझे पता है कई लोगों को ये बात चुभेगी, बट दिस इज़ द ट्रू, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मैं अगर सच बताऊँ तो मैं ख़ुद भी इसको उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इस इधर रोज़ आ जाऊँ, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इसको और देखते हैं कि अपनी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। एक बाइट और लूँगा, मुझे इससे समझ नहीं आई। कई लोग कहते हैं कि आप पहली बाइट पे ही ना टू गुड कहना शुरू कर देते हैं, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं इसको मीट के साथ ट्राई करूँगा तो मुझे सारा फ्लेवर मीट का आएगा, बट ऐसा नहीं है। आपका जो अफ़गानी पुलाव है, इसके अंदर आपके डिफरेंट मेवाजात वगैरह भी डले हैं, उनका भी उतना ही टेस्ट आ रहा है जितना कि आपका मीट का आता है। अब मीट का सेक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने दस्ती लिया, ये देखें यार इसका सॉफ्टनेस मैं फिर दिखाता हूँ, यार कितना सॉफ्ट है यार ये देखें। असल गोश्त खाने का जो तरीका है ना, वो ये कोई बंदा इन पख्तूनों से सीखे, लिटरली इन लोगों ने जो ट्रेडिशन पिंडी इस्लामाबाद में सेट किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। ताहिर खान से जलने वाले बहुत हैं, परेशान होने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको मैच करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव में आपको दिखाता हूँ यार, ये स्पेशल अफ़गानी पुलाव, इनका चेक करें। मेवे आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये जो गाजरें से होती हैं इसको क्या कहते हैं, बट इनका फ्लेवर पूरे पिंडी इस्लामाबाद में इस जैसा नहीं मिलता। ठीक है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। बैरिया टाउन के कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ये दम पोख्त इस टाइम 3200-3300 के करीब मिल रहा है, तो 300 का फ़र्क है, लेकिन इस व्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग आते भी हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, तो इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो आप आ जाएँ पिंडी इस्लामाबाद से या बाहर से, लेकिन एक दफ़ा टी के आर को ट्राई करना मस्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।